अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो पीएम ट्रिपल एस की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 7 अगस्त लास्ट डेट है, 7 अगस्त तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा आपने चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, किस हिसाब से अपना इंस्टीट्यूट को ऐड करके रखना है ताकि आपकी जो सिलेक्शन है वो ईजिली हो सके। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, डेमो वीडियो यहाँ पर दिखाऊंगा लॉग इन करके कि कैसे आपने चॉइस फिलिंग का प्रोसेस पूरा करना है, कितने प्रोग्राम्स ऐड करने हैं, कौन सी कॉलेज ऐड करनी है, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। देखो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जैसे आप आओगे यहाँ पर आपको ईमेल या यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसकी आईडी डालनी है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है और साइन इन पे क्लिक करना है। तो आपका जैसे ही साइन इन हो जाएगा आपको यहाँ पर आ जाएगा कि आपकी चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट है लॉक हो जाएगी, वो है 7 अगस्त। 7 अगस्त तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और सभी स्टूडेंट से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा विद इन 2 डेज आप कोई भी चॉइस फिलिंग अगर ना करो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी जो इंस्टीट्यूट है वो सभी आपको शो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी चेक किया यहाँ पर बहुत कम इंस्टीट्यूट जो है वो शो हो रहे हैं। अगर आप अपना चॉइस फिलिंग 2 दिन के बाद करोगे, 7 अगस्त आपको लास्ट डेट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आज ही फिल कर दो, आज फर्स्ट है। आप सभी कोशिश करो 3 अगस्त के बाद या 3 अगस्त से ही अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट करना, फॉर्म सबमिट करना, क्योंकि इसमें ये नहीं है जो फर्स्ट पहले चॉइस फिल करेगा उसी को यहाँ पर इंस्टीट्यूट मिलेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आपने तभी चॉइस फिल करो जब आपके इंस्टीट्यूट आपके सामने होंगे। यहाँ पर आप जब चेक करोगे इंस्टीट्यूट आपको सामने मिलेंगे ही नहीं, बहुत से कम इंस्टीट्यूट मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पर जो पहले ऑप्शन आएगा वो आपको आएगा फिल्टर, अगर आप फिल्टर यूज करना चाहते हो, फिल्टर मीन फॉर एग्जाम्पल आपने इंस्टीट्यूट कैटेगरी में देखना कि आपको कौन सा चाहिए, जनरल चाहिए, एचएमसीटी चाहिए, उसी हिसाब से कर सकते हो। आपको इंस्टीट्यूट रीजन में कौन सा चाहिए, फॉर एग्जांपल आप जो कैंडिडेट्स हैं आप चाहते हैं कि हमें नॉर्थ में ही यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूट मिले नॉर्थ में मिले, तो आपने नॉर्थ क्लिक करना है। आप जो यहाँ पर चाहते हो वही करना है, अगर आपको कोई भी चलेगा तो यहाँ पर इसको जरूरत ही नहीं है टिक करने की। किस स्टेट में जाना है, अगर आपको लग रहा है बिहार में दिल्ली में किस में जाना तो यहाँ क्लिक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं आगे जब चेक करूँ इंस्टीट्यूट तो मुझे सिर्फ दिल्ली के इंस्टीट्यूट आने चाहिए या फिर मुझे सिर्फ पंजाब के इंस्टीट्यूट आने चाहिए, तो आप सिर्फ 2 को क्लिक करोगे आपको सिर्फ पंजाब और दिल्ली के ही इंस्टीट्यूट मिलेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा बिहार के इंस्टीट्यूट अगर ना ही चूज करो आपके लिए बेस्ट रहेगा, उससे अच्छा है कश्मीर में बैठ के पढ़ो, घर में ही रहोगे अच्छा रहेगा, ऐसे ही अपना टाइम भी वेस्ट मत करो। तो यहाँ पर अगर आप चेक करना चाहते हो हाँ मुझे इस एरिया में जाना है, स्टेट में जाना है, तो यहाँ पर इसका फिल्टर यूज़ कर सकते हो। आपको इंस्टीट्यूट टाइप गवर्नमेंट चाहिए प्राइवेट चाहिए, यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा देखो आपकी जो फीस है आपका जो भी चीज़ है गवर्नमेंट खुद पे करेगी तो यहाँ पर चलेगा, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। फिर यहाँ पर ये चीज़ अगर देखना चाहते हैं NAAC के साथ है तो यस, बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हो। अगर आप लड़की हैं तो सिर्फ वुमेन इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो जहाँ पर सिर्फ वुमेन ही जाती हैं तो यस करो, अगर चलो मिक्स पढ़ें तो यहाँ पर भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी आप आगे जा सकते हो। फिर आपने क्या करना है, अगर जो बॉयज़ हैं यहाँ पर एक चीज़ और भी याद रखें, बॉयज़ अगर यहाँ पर नो करें वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको वुमेन इंस्टीट्यूट यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, आपके सामने सिर्फ क्या होंगे जो मेन इंस्टीट्यूट है। अब सिंपली यहाँ पर आके जो यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पर आप अपना इंस्टीट्यूट जो है वो ऐड कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। तो बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, 3 अगस्त से पहले पहले अपना कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं करना, क्योंकि आपको ये नहीं होता पहले किसने किया उसी को पहले हम रखेंगे। आपने वेट करना है जब तक सभी इंस्टीट्यूट जो है अपडेट ना हो जाए, तब तक आप अपना ऐड नहीं करना। और ऐड कैसे करना है उस पर अलग से समझाऊंगा कि आपके ताकि इजली जो है इंस्टीट्यूट मिल जाए। उसमें ये आपने करना है जिस प्रोग्राम में आपने जाना है, जिस प्रोग्राम फॉर में आपको BSc नर्सिंग में जाना है तो आपने BSc नर्सिंग के सभी इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है। फिर वहाँ पर आपने जो चॉइस फिलिंग में आपने रखना है प्रेफरेंस वो टॉप कॉलेज को रखना है। टॉप कॉलेज कौन से हैं वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, एंड किस इंस्टीट्यूट में क्या एलिजिबिलिटी है वो भी आपको अलग से बताऊंगा, ताकि उसी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप पहले प्रेफरेंस रख सको उन इंस्टीट्यूट को, फिर बाद में आपको आसानी हो सके। तो अलग से डिटेल में वीडियो आएगा, आप कमेंट करके बताना और कौन सी चीज़ आपको समझनी है, क्योंकि 3 अगस्त से पहले पहले आपको फॉर्म फिल करने की कोई नीड नहीं है, तब तक वेट कीजिएगा।